भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ राजनीति तो है नहीं कि मैं अकेला और दूसरा कोई नहीं। धर्म क्षेत्र कहता है हम भी चल रहे और तुम भी हमारे साथ चलो, वह धर्म क्षेत्र हुआ करता है। राजनीति का क्षेत्र कहता है हम चल रहे, हमारे साथ कोई नहीं होना। साधु पट्टे पर बैठते हैं, नेता कुर्सी पे बैठता है। नेता कहता है कुर्सी केवल मेरी और किसी की नहीं, और संतों का पाटा कहता है हम थोड़े खिसक जाएंगे, तुम भी आ जाओ, तुम भी यहाँ आ करके बैठ जाइए। यही दोनों में अंतर होता है। नहीं अभी आना है तो ये खिसक जाएंगे थोड़े थोड़े, तैयार हो। ये धर्म क्षेत्र सबको लेके चलता है, वह धर्मात्मा हुआ करता है। श्रेणिक भगवान महावीर की वंदना को जाते हैं, अकेले नहीं जाते, पूरी राजधानी में डिंडोरा पीट देते हैं, चलो चलो व्यवहार पर्वत पर राजा ग्रही में भगवान का समो शरण आया है, सारी प्रजा चलकर भगवान की। ये धर्म है, ध्यान रखना, केवल मैं ये स्वार्थमय संसार है और हम भी तरें और तुम भी तरो, ये धर्म में तीर्थंकर कौन जो खुद तरते हैं और दूसरों को भी तार दिया करते हैं। सबको लेकर के समेट कर जो चलता है, गंगा चलती है गंगोत्री से, हिमालय से चलती है, सागर में जाकर समाहित होती है। लेकिन गंगा ये नहीं कहती है कि केवल मैं ही जाऊंगी, अपने साथ छोटी सहायक नदियों को भी लेकर के वह सागर की यात्रा करती है, छोटे छोटे नालों को भी ले जाती है। और कभी कभी तो वो वक्त आता है बरसात का, मटमैला पानी ही नहीं, गटर का, नालियों का पानी भी समाहित करते हुए गंगा सागर में जाकर विलीन हो। गंगा जैसा जीवन, मालूम है, मुनि मन समय उज्ज्वल नीर, जो सबको लेकर चले, सबके कल्याण की भावना रखे, वह धर्म ध्यान हुआ करता है। मेरा भी कल्याण हो और सारे जगत का कल्याण हो, वह धर्म ध्यान होता है। यहाँ पर अपन धर्म ध्यान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब इस अर्चना का, क्या मतलब इस पूजा का, क्यों इतना समय दूर दूर से चले आ रहे गाड़ियों में बैठकर, कल पूना थे आज यहाँ आकर के बैठ गए, घर में रुकने का टाइम ही नहीं मिला, बोले चलो कल वहाँ विधान होना है, पूजा होनी है। ऐसी भावनाएं क्यों जागृत हो जाती हैं हमारे अंदर, क्यों ऐसा जीवन है, क्यों हम ये पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। जानते हो कर्म जो होते हैं ना, वह उनका फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा एकांत से नहीं है कि भोगना ही पड़ता है। अपना धर्म तो अनेकांतमय धर्म है, ये तो शादवादमय शैली है, कर्म भोगना ही पड़े ऐसा एकांत जैनों के पास नहीं हुआ करता है। कर्मों का फल आप बिना भोगे भी उनको नाश कर सकते हो, बिना फल प्राप्त किए भी आप कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा शास्त्रों में वर्णन है। जरूरी थोड़ी है कि जो कर्म हो गया उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अरे कुछ कर्म हैं जिन्हें भोगना पड़ता है, अनेक कर्म हैं जिन्हें भोगने की जरूरत नहीं पड़ा। घबराते क्यों, ज्यादा कर्म नहीं है जो भोगना ही पड़े, वो तो दो चार हैं गिनती के। अधिकतर कर्म तो ऐसे हैं जिन्हें हम बिना भोगे भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में है जिन्हें बिना भोगे हम निर्जरा कर सकते हैं। तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, पूजन के द्वारा, विधान के द्वारा, जाप के द्वारा, माला के द्वारा, तीर्थ वंदना के द्वारा, जिनायतन की सेवा करके हम उन कर्मों को बिना भोगे भी झरा सकते हैं, शांत भाव से झरा सकते हैं। हम दो चार कर्मों का टेंशन मत लो, निदत्त निकाचित कर्मों का टेंशन मत लो, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत अल्प हुआ करते हैं। सबसे ज़्यादा तो यही कर्म होते हैं जिनका उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब हो जाया करता है, जिनेंद्र की भक्ति और पूजा करने से। यदि ये नियम बन जाए
कि मनुष्य ने जो कर्म किया है वह भोगना ही पड़ेगा, तो फिर याद रखना, फिर जैन धर्म कहता है वो आदमी कभी फिर सिद्धात्मा नहीं बन सकता है, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्म तो रोज नए नए बनेंगे, बनते जाएंगे और कर्म काटने की व्यवस्था नहीं होगी तो वो कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता है। वह हर जन्म में कर्म बांधते जाएगा, कर्मों का फल भोगते जाएगा, और ऐसा यदि नियम बना दिया जाए तो फिर हमारा ये पूजन पाठ देव दर्शन व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा, उसे भोगना ही पड़ेगा फिर वह कर्म। ऐसा आगम नहीं कहता है, आगम कहता है कर्म बांधे जा सकते हैं तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, उन्हें निर्जरित भी किया जा सकता है उनका, नहीं तो कर्म नाश की बात कैसे आती, फिर अरिहंत शब्द ही नहीं आता हमारे यहां। अरिहंत का अर्थ होता है जो कर्म शत्रु का नाश करते हैं, फल भोगते हैं ये अर्थ नहीं होता है, फल तो हम संसारी लोग भोगा करते हैं, नहीं वो कर्मों का जड़ मूल से नाश कर देते हैं, वो अरिहंत अवस्था। इसका मतलब जो भूल से, जो अनजान में, जो ज्ञात भाव से, जो अज्ञात भाव से, जो मंद परिणाम से, जो तीव्र परिणाम से, जो कषायों से हमने कर्म बंद किया है उसे हम काट भी सकते हैं, बिना फल भोगे हम अपने जीवन को सार्थक भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, कर्म बंधता है तब अनुभव नहीं होता। कर्म बंद का अनुभव हुआ क्या? अभी पुण्य कर्म बंध रहा है, अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कोई कह देगा नहीं, जब अनुभव नहीं होता तो बंधता कैसे, ये तो कपोल कल्पित बातें हैं। एक बात याद रखना, कर्म बंधते समय अनुभव नहीं होता, लेकिन सुख दुख तो हमको प्राप्त होते हैं, अच्छा बुरा तो हमको प्राप्त होता है, अनुकूल और प्रतिकूलता तो हमको प्राप्त होती है। ध्यान रखना, फल का अनुभव होता है लेकिन कर्म का अनुभव नहीं हुआ करता है। वरना ये कर्म नहीं होंगे तो कोई ज्यादा सुखी, कोई कम सुखी, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई दरिद्र है, कोई अनपढ़ है, कोई मूर्ख है, कोई ज्ञानी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये सब भेद कैसे हो गए? ये कर्मों के द्वारा भेद हुआ करते हैं। जैसे कर्म बांधता है आदमी, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है तू शत पुरुषार्थ कर, तू जिनेन्द्र भगवान की शरण में जा, तू भगवान की भक्ति पूजन कर। बोले इससे क्या होगा? बोले देखो, आपको कर्म का बंध हुआ है, आपके कर्म का उदय चल रहा है। अब उदय जब कर्म का चले उस समय, हे जीव, यदि तुझे अपना कल्याण करना है, तुझे सुखी होना है, तो एक चीज ध्यान में रखना, कर्म का फल भोगते समय यदि फिर तुमने छल कर लिया, फिर तुमने कपट कर लिया, फिर तुमने मायाचारी कर ली, फिर गलती कर दी, गलती पर गलती, फिर कर्म का बंध हो गया, तो बोले क्या करूं? तो बोले शांत भाव से कर्मों को सहन कर। तो बोले शांत भाव से सहते हैं तो क्या होता है? शांत भाव से सहो तो कर्म बिना फल दिए झड़ जाया करता है, और बिना फल दिए झड़ता ही नहीं है। जो 4 घंटे में झड़ना है वो 10 मिनट में झड़ जाया करता है शांत भावों से। और संकलेश भाव हो गए तो जो कर्म अपना फल दे रहा है वो 10 गुना बंद करा करके चला जाया करता है। एक बात याद रखना, शांत भाव से सहोगे 1 घंटे की पीड़ा 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन पूछा कि भगवान ये बताओ शांत भाव कहाँ से आएंगे मेरे अंदर? तो बोले शांत भाव रखने के लिए जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर, जिनेन्द्र भगवान की अर्चना कर, भगवान का सुमरण कर, सातिशय पुण्य का बंद कर, तेरे शांत परिणाम हो जाएंगे। एक बात बताओ, मन यहां बैठ के परिणाम कैसे हैं? अभी तीव्र हैं क्या? आवेश युक्त हैं क्या? कैसे हैं? शांत परिणाम। कौन से परिणाम शांत हैं? सारे परिणाम शांत हैं। भूख भी शांत है, प्यास भी शांत है, घर का टेंशन भी शांत है, व्यापार भी शांत है, सब चीज शांत है कि नहीं? सुबह से शाम की सारी क्रियाएं, अभी अपन शांत परिणामों में बैठे हुए हैं। अब इस समय जो जो कर्म उदय में आएगा वो जल्दी जल्दी झड़ करके चला जाएगा, वरना ये सब नहीं करोगे बड़ा लंबा समय लेगा वो कर्म, पीड़ा भी ज्यादा देगा, दर्द भी ज्यादा देगा। इसलिए
पुण्य करते हुए कर्मों को झरा दीजिए, भगवान की भक्ति करते हुए कर्म को झरा दीजिए, और शांत रहने के लिए क्या अब भगवान हम घर गृहस्थी के लोग हैं, दिन भर पाप होते हैं, अब क्या दिन भर बैठ के विधान करते रहें? करते रहो, बहुत पुण्यात्मा हो जाओगे। नहीं कर सको तो फिर कर्म की निर्जरा कैसे करूं? महाराज आप तो चौमासे बाद यहां से चले जाओगे, अब विधान कौन कराएगा, कैसे आएंगे? बोले नहीं, निंदा आलोचना और गरहा करने से परिणाम शांत होते हैं। यदि हमारे किसी कर्म का उदय चल रहा है, स्वात्म निंदा, अपनी निंदा करो, हे जिनेन्द्र मैंने कौन से कर्म का बंद कर लिया, मुझे इस दुख की प्राप्ति हो रही है, हे जिनेन्द्र भगवान, हे अनंत भगवान, मैंने कौन सा, जरूर मैंने कुछ पाप कर्म किया है, अब उस कर्म को मैं शांत भाव से सहता हूं। कर्म जल्दी निर्जरा को उदीर्णा भी हो जाती है, शांत भावों से समय से पहले कर्म को झड़ा सकते हैं हम। कितनी सुंदर व्यवस्था आगम में कर्म नाश की दी गई है। निंदा करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, इससे कर्म की निर्जरा हो जाया करती है, इससे कर्म झर जाया करता है, कम फल देकर झर जाता है, तीव्र फल नहीं देता है, कभी कभी बिना फल दिए भी झर जा। पाप कर्म का संक्रमण पुण्य में हो जाता है, यदि पुण्य की पावर ज्यादा बढ़ा ली, संक्रमित होकर के पाप कर्म पर उदय में उदय आएगा और पुण्य बन करके सुख दे करके निकल जाएगा। ध्यान रखिए, इसलिए ये पूजा होती है, इसलिए ये विधान होते हैं, इसलिए ये अर्चनाएं होती हैं, भगवान का अभिषेक होता है।